कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है संडे और आज हम लोग अपने घर जा रहे हैं, यानी कि अपने ससुराल चले जाएंगे। तो शाम को आएंगे, सोनू के हस्बैंड आएंगे तो उनके साथ मैं भी चल जाऊँगी, क्योंकि रास्ते में बल्लूपुर में मेरा घर भी पड़ता है, तो मुझे घर छोड़ देंगे, फिर ये लोग अपने घर चले जाएँगे। और क्या बात करूँ, मम्मी उधर बैठी हुई हैं, हेलो कर दो मम्मी। हेलो। तो मम्मी भी कुछ बना रही हैं, क्योंकि सोनू बनवा रही है, लड्डू बनवा रही है सोनू आटे के। मम्मी बोल रही है बहुत चटोरे आएंगे तो उसने कढ़ाई में तले पड़े हुए हैं, लेकिन इस बार हमने इतना कुछ तरह पका कुछ नहीं बनाया ना हमने। बहुत सारा बनाया पर दिखाया नहीं तुम्हें। हाँ बनाया, दिखाया नहीं। अरे गुड़ के लड्डू बनाए, वो मैं आपको दिखा दूंगी जब रेसिपी जब शेयर करूंगी ना, तब आपको दिखा दूंगी, वो मैंने बना के रख दिया है। हाँ अब मम्मी बना रही हैं उसके आटे के लड्डू बना रही है मम्मी। हाँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। मम्मी ने बोला आटा भून दिया है पूरा घी में और अब मम्मी बनाएगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि सोनू बना के ले जा रही है, इसका मतलब मन करता है अभी खाने का, तो ये सामान वगैरह अपने आप ले आई थी तब बना मम्मी देगी इसके लिए। ठंडियों में खानी चाहिए। हाँ सर्दियों में से खाने भी चाहिए, गर्म होता है ना अच्छे लगते हैं, तो थोड़े से मुझे भी देगी खाने के लिए। मैंने भी इसको दिए ना एक चीज़, तो ये मुझे कोई नहीं, दो चार दिन में कुछ की सस्ता महंगा नहीं पड़ता, तो ये मुझे देगी। और अभी मम्मी ने गेहूं भी धो रखे हैं आज, क्योंकि मम्मी और ने गेहूं भरवा रखे थे, तो मम्मी ने गेहूं धो रखे हैं। नानी उनकी रखवाली कर रही है ऊपर, क्योंकि ऊपर बंदर आने का डर भी रहता है और कबूतर भी आने लग गए थे, तो नानी को ऊपर धूप लगा दे, धूप भी होती है ना। और मम्मी का घर ना बिल्कुल रोड पे है, तो ना मम्मी का घर ना बिल्कुल रोड पे है, तो जब मैं बोलती हूँ ना पीछे से गाड़ी जरूर आती है, तो आवाज़ पता नहीं आती कि नहीं आती। हाँ मैं आपको मम्मी के घर की जरा बाहर का दिखाती हूँ, है ना, मेन रोड दिखाती हूँ, तो आपको लगेगा ना इतनी आवाज़ क्यों आती है, इसलिए आती है इतनी आवाज़, क्योंकि मम्मी का बिल्कुल रोड पे घर है। ये देखो इधर से पूरा रोड पे ये है और ये सामने वेडिंग पॉइंट है और यहाँ से पूरी रोड है, मतलब मम्मी का घर है बहुत अच्छी जगह पे, मार्केट भी जगह पे है और दुकानें भी बिल्कुल सामने है। मार्केट 5 मिनट में है, 5 मिनट का रास्ता प्रेम नगर नहीं ये। हाँ ये चौक भी 5 मिनट का रास्ता है, सारी सुविधा है मम्मी की, अच्छी जगह मम्मी को घर मिल गया है। बस पहले मेरी मम्मी कॉलोनी में रहते थे, वहाँ पे बहुत अच्छा था यार कॉलोनी की लाइफ, जो जो कॉलोनी में रहे उन्हें पता होगा कॉलोनी की लाइफ। जैसे तो है यार, पता नहीं चलता ना, वैसे रौनक है यार। हाँ इतनी रौनक नहीं है, क्यों नहीं है? अरे मम्मी फिर भी कॉलोनी कॉलोनी होती है यार, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे लोग, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, हल्ला गुल्ला तो यहाँ भी होता है ना। हाँ अच्छा हल्ला गुल्ला मम्मी को मम्मी बोल रही हल्ला गुल्ला यहाँ पर भी होता है, जैसे कॉलोनी में होता है ना, ऐसे गेट के बाहर खड़े हो जाओ तो लोग आते जाते रहते हैं, ऐसे कुछ पता ही नहीं चलता, मुझे तो अच्छा लगता है। मगर ये वहाँ के सालों, अरे यार जिसको इतने मतलब मम्मी और मतलब आधी आधी जिंदगी मम्मी कॉलोनी में चलेगी है, तो अब मम्मी का अपना घर बनाया तो मम्मी तो खुश होंगी ना। अपना घर अपना ही होता है, देखो कॉलोनी की बात अलग ही होती है, और लेकिन जो इतने साल पूरी उन्होंने अपना नहीं है पूरा आधे से ज़्यादा लाइफ उन्होंने अपनी कॉलोनी में गुजार दी है, और अब अपना घर मिला है तो इंसान को खुशी नहीं होगी। माहौल ही बहुत, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बहुत सपोर्टिव हैं और वैसे ही बहुत अच्छे हैं, हमारे पड़ोसी अगल बगल के बहुत अच्छे हैं, है ना, सब अच्छे हैं, कॉलोनी में भी बहुत अच्छे थे। हाँ वहाँ की तो बात ही कुछ और है, वो पुराने लोग बहुत अच्छे हैं। तो बस अब मम्मी लड्डू बनाने जा रही है और मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी लड्डू कैसे बना रही है। वैसे सबको ही पता होगा यार, मैं हर बार यही बोलती हूँ, सबको सब कुछ आता है आजकल तो, लेकिन मम्मी बना रही है, लेकिन जो मम्मी बना रही है मम्मी के माँ के हाथ का, माँ के हाथ का ही हुआ तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलो मम्मी किचन में चलो, फिर हम भी किचन में चलते हैं, वहाँ पे दिखाती हूँ आपको आटे के लड्डू। अच्छा पहले फरमाइश आ गई है कि मेरी फ्रेंच छुट्टियाँ बना दे, तो पहले मैं सोनू की फ्रेंच छुट्टियाँ बना रही हूँ, फिर किचन में ले जाती हूँ आप सबको, ठीक है। और मेरे दोनों बच्चे छत में घूम रहे हैं और अभी हमें जाना भी है, शायद 3-4 बजे इसके हस्बैंड आ जाएंगे तो हम लोग निकल जाएंगे, और मैंने आज हेयर वॉश भी करा है। तो मैं किचन में आ गई हूँ और मम्मी यहाँ पर दूध उबल गया, मम्मी यहाँ पे बादाम वगैरह भुनने लग गई है, ये बादाम और इसमें क्या है, हाँ घी में बादाम और काजू है, काजू बादाम और गोंद वगैरह जो भी होता है। अच्छा भुनोगे? अच्छा वो डाल मम्मी ने भून लिया, तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ मम्मी कैसे बना रही है। तो मम्मी ने ये घी में आटा अच्छे से भून दिया है ना मम्मी, हाँ ये मम्मी ने घी में भून रखा है, और वहाँ पे मम्मी कर रही है काजू और बादाम वगैरह को अच्छे से भून रही है घी में।
यहाँ पे मम्मी जितने भी ड्राई फ्रूट्स को मम्मी ने अच्छे से फ्राई कर दिया था घी में, उनको आटे के साथ मिक्स कर देंगी और फ्राई करने से इनका टेस्ट जो है वो और भी इंक्रीज हो जाता है, जो कि क्रंचीनेस आती है मुंह में खाते हुए, बहुत अच्छा लगता है आटे के लड्डू में। और इसके बाद मम्मी यहाँ पर गोंद जो है उसको भी घी में फ्राई कर रही हैं, और ये गोंद अभी ऐसे हैं, अभी ये फूल जाएंगे अच्छे से, तो तब तक मम्मी इनको फ्राई करेगी, और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो इसको भी मम्मी आटे में डाल देगी। और हाथ से ये चूरा हो जाता है, जब आटे मिक्स करो तो ये हाथ से ऐसे तोड़ो तो एकदम से मिक्स हो जाता है, चूरा बन जाता है इसका भी, और ये भी मुँह में आता है तो बहुत टेस्टी लगता है। तो मम्मी यहाँ पर डाल रही हैं बूरा, तो जितना आपको लगे आप उसके हिसाब से आप लोग डाल सकते हो बूरा। तो मम्मी यहाँ पे बूरा डाल रही हैं, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगी हाथ से, ताकि बूरा हर जो आटे का मिक्सचर है उसमें हर जगह पे मिठास चले जाए। और इसके बाद मम्मी जी ने जो गोंद फ्राई करे थे मम्मी वो भी इसमें डाल देंगी। और यहाँ पे मैं हाथ से तोड़ के देख रही थी, बिल्कुल ऐसे क्रंची हो रखे थे, एकदम से टूट गया ये, और इसका चूरा बना के आटे के लड्डू में इसको डाल देंगी मम्मी। और वो सब डालने के बाद मम्मी ने घी को मेल्ट करा था हल्का सा, क्योंकि घी जो है वो जमा हुआ था, आजकल सर्दी है इस वजह से, तो मम्मी ने घी डाल दिया है। इसके बाद मम्मी अच्छे से घी को जो है मिक्स कर लेंगी, या आटे का आप आटा ही बोल सकते हो, आटे को घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगी, जिससे कि घी अच्छे से हर जगह पे लग जाए और लड्डू बनाने में बहुत ही आसानी हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर मम्मी ने बचा रखा था कि कहीं अगर घी कम पड़ा तो डाल देंगे, तो यहाँ पे मम्मी वही कर रही हैं, और थोड़ा सा घी मम्मी ने और डाला है ताकि लड्डू और भी ज़्यादा हेल्दी बन जाएं घी से, तो वो यहाँ पे मम्मी वही कर रही हैं अभी। तो अच्छे से मम्मी इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगी, और फिर लड्डू जो होता है लड्डू की तरह इसको बनाने लग जाएंगी मम्मी। तो थोड़ा सा मिक्सचर बच गया था, तो मम्मी ने जितना भी घी था सारा घी इसमें लग चुका था, आधा किलो घी था, तो मम्मी ने और भी इसमें डाल दिया था मिक्सर। तो अब जितना आटा था उतने के हिसाब से घी मतलब अच्छा ठीक पड़ गया था। तो यहाँ पर मम्मी जो है अच्छे से आटे को बाइंड करके लड्डू बना देंगी, और बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में, आगे आप देखोगे। तो एक एक करके मम्मी सारे लड्डू बना दिए मम्मी ने, तो मम्मी ने बना दिए हैं लड्डू, और मम्मी अपने हाथ से दिखाएंगी आज क्योंकि मम्मी ने बनाया ना, ये बड़ा है लड्डू, ये चटोरियों में ले, दो चटोरियां है अभी एक और आ रही, वो इतनी चटोरी नहीं है, दो बहुत चटोरियां हाँ, मम्मी कहते जब तुम लोग दोनों आते हो ना तो मुझे 2 किलो रिफाइंड भर के रखना पड़ता है, क्योंकि तुम तेल में तैरने आ जाती हो लेकिन इस बार हमने ज्यादा कुछ तला बना कुछ नहीं खाया, क्योंकि आजकल सब अवॉइड करते हैं चीजें, अब हम भी इतना नहीं खाते हैं। मम्मी लोग प्लेट से खाओ जरा, ये आप भी खाओ, बहुत अच्छे देख रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, घी में तर हो रखे हैं बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं, कोई टाइम नहीं लगता, मसाला भुनने में थोड़ा टाइम लगता है हाँ। बाकी तो जल्दी बनते हैं, बन जाते हैं। इस मम्मी ने बना दिया है, अब खिचड़ी बनाएगी आज सोनू, सोनू को आती है अच्छी सी उड़द दाल की खिचड़ी ना, आज वो बोल रहे मैं वो बनाऊंगी चटनी के साथ, जाएंगे ना खिचड़ी संक्रांत में, नहीं आएंगे फिर हाँ। इसलिए ना पहले खिला देती हूं, पहले खिचड़ी खिला रही है मम्मी हमें, दीदी स्कूल है ना बच्चों की हाँ। तो उसका कल व्रत भी है सोनू का ना हाँ, सकट का ना, सकट का व्रत है, तो इसलिए वो घर जाना पड़ रहा है, और मेरे बच्चों के स्कूल है 14 से, तो फिर मैं भी जा रही हूँ, तो आज खिचड़ी बना रही मम्मी, आज हम आज खिचड़ी बना, 14 तारीख कुछ और भी है, आज 14 तारीख को मेरी मम्मी के शादी की सालगिरह भी आती है, और मक्कर संक्रांति भी आती है जिस दिन खिचड़ी बनती है, तो दो दो चीज हो जाती है हमारे घर में दो दो पार्टियां होंगी हाँ। अब वैसे छुट्टी नहीं होती, वैसे छुट्टी होती तो फिर मैं रहती यहाँ पर, लेकिन छुट्टी नहीं है, 14 से इनके स्कूल खुल रहे हैं, इस वजह से जाना पड़ेगा, तो हम लोग शाम के टाइम चले जाएंगे। अभी बड़ी सिस्टर भी आ रही है मेरी, और ऐशु भी आ रही है, उसकी बेटी भी आ रही है, और आशीर को थोड़ा सा रेडी करूंगी मैं, अभी बाल वगैरह नहीं बनाए उनके बस, तो बस इतना, अभी मैं आपको बाद में सोनू से ही मिलवाऊंगी। यहाँ पे मैं आशियर को छत में बुलाने आई थी, तो मुझे ध्यान आया कि मम्मी ने गेहूं भी सुखा रखे, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मम्मी ने यहाँ पे अच्छे से वॉश करके गेहूं को सुखा दिए थे, क्योंकि मम्मी और ने गेहूं ले रखे हैं ना, तो मम्मी उसी का पिसा हुआ फिर आटा खाते हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है जो पिसा हुआ रहता है गेहूं का। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही थी, और धूप बहुत अच्छी आ रही है 2-3 दिन से ना, तो मतलब अच्छा अच्छे से सूख जाएंगे गेहूँ यहाँ पर। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे इतने कबूतर बैठे हुए थे, इतने अभी दिख नहीं रहे क्योंकि मेरी नानी जो है वो यहाँ पे रखवाली करने बैठी हुई थी, तो वो अच्छे से धूप भी सेक रही थी यहाँ पे लेटे लेटे, और देख भी रही थी कबूतर वगैरह या बंदर ना है, वैसे बंदर इतने नहीं थे लेकिन कबूतर तो इतने थे, और वो फिर गंदा करते हैं उसमें बैठते हैं, और क्या बिखेरते ही बहुत ज़्यादा है, तो नानी यहाँ पे वही कर रही थी, रखवाली कर रही थी यहाँ पर नानी गेहूँ की। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, और आशी और भी वहाँ पे रेडी हो गए हैं, हेलो, दक्ष भी रेडी हो गया है, दक्ष से हेलो, दक्ष को भी उसकी मम्मी ने तैयार कर दिया है, अभी उसकी मम्मी तैयार हो रही है, कपड़े वगैरह सब कुछ पैक हो गए हैं, और कुछ कुछ चीज़ें धीरे धीरे याद आ रही है वो मैं रख दे रही हूँ,
और मम्मी उधर अपना मोबाइल देख रही है। मम्मी अपना टाइम पास कर रही हैं मोबाइल देख के। खैर अपना सब कुछ खा ही लिया है, तो अभी सोनू के हस्बैंड आने वाले होंगे किसी भी टाइम, 4:30 बजने वाले हैं, तो बस आने वाले होंगे, फिर हम लोग घर चल जाएंगे। और मैं सोच रही हूँ घर जाके वीडियो का एंड करूँ, मम्मी से मिलवाऊँ आप लोगों को, तभी यहाँ कहीं पे कर दूँ। ठीक है, मम्मी बोल रही है वहाँ पे जाके नया स्टार्ट करना मॉर्निंग से, इसका यहीं पर एंड कर दो ब्लॉग का। तो ठीक है, तो बस अब जब हम लोग जाएंगे उस टाइम पे मैं वीडियो का ब्लॉग का एंड भी कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर सोनू के हस्बैंड भी आ चुके थे और चाय वगैरह सब कुछ पी ली थी हमने, तो यहाँ पर अभी वो सामान वगैरह अपना जो गाड़ी में है वो सेट कर रही है, इसके बाद फिर मैं अपना सामान ले जाऊँगी। तो गाड़ी इन्होंने अभी उधर साइड में लगा रखी थी, क्योंकि फिर वो इधर की साइड लगा के थोड़ा सा स्पेस कम हो जाता है सड़क में ना, तो इनकी गाड़ी थोड़ा सा उधर थी, तो सोनू वही अपना जो है सामान वगैरह सेट कर रही थी और मैं अपना सामान ले जाऊँगी इसके बाद। और नानी यहाँ पर देख रही है मैं जाते हुए, बाय करने आई है बाहर नानी। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं अपने घर, मम्मी बाय कर दो। बाय। सोनू के हस्बैंड आ गए, सामान वगैरह सब कुछ रख दिया है, नानी को भी बाय कर दो आप लोग। ठीक है, बाय कर दो नानी, और सबको अपना आशीर्वाद दो, क्योंकि मुझे 2-3 लोगों ने बोला आपने नानी से मुझे आशीर्वाद दिलाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है मम्मी, चलो बाय कर दो, और सोनू चलेगी सामान रख रही है। बाय, चलो बाय बाय, आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में अपने। ठीक है, और सोनू बाहर है, बाद में मिलाऊंगी अपने हस्बैंड को, थोड़ा सामान वगैरह सेट कर रही है गाड़ी में, इसलिए बाय बाय, बाय कर दो। यहाँ पे नानी जो है आशी और को पैसे पकड़ा रही थी जाते हुए, मुझे ही पकड़ा रही थी, तो मैं नानी को मना कर रही थी, नानी नहीं पैसे पुसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना आशीर्वाद दो और कुछ नहीं चाहिए। तो नानी कह रही थी आशीर्वाद तो तुम लोगों के साथ है ही कोई नहीं, तो उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ा दिए थे। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ लेने देने से कुछ नहीं होता यार, हम आशीर्वाद बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। नानी को बुलाना ये आ जा, लॉक लगावा क्या है? नहीं खुला हुआ, थोड़ी इसको बोल। ठीक है नानी, हाँ अच्छा खुला, चलो बैठो बैठो, फटाफट बैठो, ये ख्याल रखना, नानी को बाय करो, बाय करो, बाय करो नानी को, बाय बाय कर दो, बाय, उसे वहाँ बैठना है इधर। अच्छा, हाँ चलो ठीक है मम्मी, हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, हाँ ना फिर बीच बीच में आते रहना। ठीक है, बाय, इधर ठीक है नानी, उधर बाय, चलो बाय बाय कर दो नानी को, बाय, चलो ध्यान रखना, ठीक है, बाय बाय, बाय मम्मी, बाय। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, और देखो मैं सच्ची बताऊँ मतलब मुझे ससुराल में भी बहुत प्यार मिलता है, लेकिन मम्मी के यहाँ से जाती हूँ थोड़ा बुरा भी लगता है, मम्मी को भी बहुत बुरा लगता है, बाद में मम्मी फ़ोन करती है कि यहाँ पे बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, लेकिन अब क्या करें, ये रिवाज है और यही रीत है बना रखी है कि लड़की ससुराल जाएगी। तो इसके बाद हम लोग चले गए थे, मम्मी ने बाद में फ़ोन भी करा कि यहाँ पे बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग खुश हैं इसलिए मम्मी वहाँ पर खुश रहती हैं, बस मैं यही। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, तब मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।